तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि ये देख पा रहे होंगे आज मैंने एक ऐसा मोबाइल मंगवाया जो कि मतलब मेरा सपना था, और मुझे आपको रिव्यू भी करना था, यानी कि रिव्यू करके बताना भी था कि कैसा है मोबाइल। तो दोस्तों इसलिए मैंने आज एक बहुत ही भारी बजट का मोबाइल मंगाया, गेमिंग के लिए या कैमरे के लिए किसी भी तरह का चाहे बात की जाए, तो मैंने बहुत ही अच्छा मोबाइल मंगाया। और ये रहा अभी फ्लिपकार्ट का यहाँ पे बॉक्स हमारे सामने, तो हम आपके सामने इसको करेंगे अनबॉक्स और पूरी अच्छी तरह से देखेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं इसके अंदर मोबाइल ही ना निकले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब आपके सामने अनबॉक्स करेंगे और पूरी डिटेल के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑर्डर करके मंगवाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से दोस्तों, तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे आपको इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे इतने पैसे कहाँ से आए मेरे पास, तो दोस्तों मैंने लिए हैं दोस्तों से उधार उधूर करके ये मोबाइल मंगवाया है, ताकि आपको अच्छी तरह से रिव्यू करके मैं बता सकूँ कि ये मोबाइल सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपके लिए मंगवाया है मोबाइल, तो अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। और आज से हमारा Realme 3 Pro नहीं Poco X3 Pro हम यूज़ करेंगे, और इसी से वीडियो हम बनाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसको खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कैसा है, प्रोसेसर वगैरह सब की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं Poco X3 Pro को अनबॉक्स। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने बॉक्स, तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और करते हैं इसकी सील ब्रेक। ये देखिए दोस्तों कितना प्यार से खुल रहा है, पता नहीं हमें लग रहा है या आपको भी। ये देखिए हमारे यहाँ पे इसका बिल, मोबाइल का बिल मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पैकिंग काफ़ी अच्छी तरह से की गई है। ये देखिए दोस्तों कितना महंगा मोबाइल है, तो पैकिंग तो होनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारे देखिए Poco X3 का बॉक्स। जी हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है बड़े बड़े अक्षर में, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस डिब्बे को रखते हैं एक बार साइड में और इसके करते हैं सील ब्रेक। तो दोस्तों अब इसकी हो चुकी है सील ब्रेक और अब इसको हम खोलने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसी का इंतजार था, तो चलिए दोस्तों अब खोलकर दिखाते हैं हम आपको ये प्यारा सा मोबाइल। दोस्तों दिलों की धड़कनें तेज हो रही है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों पीले यहाँ पे डब्बे के अंदर यहाँ पे पीला बॉक्स मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीले और ब्लैक, यानी येलो और ब्लैक का जो मैचिंग कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे मिल रहा है सबसे पहले आपको सिम निकालने के लिए, यहाँ पे इसका सिम निकालने के लिए टूल मिल रहा है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कवर मिल रहा है, देखते हैं इसके अंदर कैसा है कवर। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कवर मिल रहा है, काफ़ी अच्छा कवर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कवर की बात की जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन या मतलब बहुत ही कम डॉक्यूमेंट मिले हैं यहाँ पे Poco X3 Pro के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि इनका मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं है, सब पहले से समझे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कम है। तो दोस्तों इन सबको एक बार रखते हैं साइड में और अब निकालते हैं हमारी मेन चीज़, हमारा मेन जो मतलब क्या बताए आपको, मतलब काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है हाथ में, आप चलाएंगे तो पता नहीं कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए और देखते हैं एक बार बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है हमको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के अंदर मिल रहा है हमको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। और ये रही हमारी यहाँ पे कौन सी केबल है, देखते हैं टाइप सी है या कौन सी। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप सी हमें केबल मिल रही है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे 33 वोल्ट फास्ट चार्जर के साथ। तो अब देखिए दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा सा मोबाइल, तो इसको निकालते हैं इस पॉलीथिन के बाहर। दोस्तों ये देखिए दोस्तों वाओ अमेजिंग, दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें मोबाइल। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है Poco, और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कैमरे की जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है दोस्तों मुझे। और ये देखिए दोस्तों आगे से इसका लुक यहाँ पे दोस्तों मुझे क्या बताऊँ दोस्तों, अलग सी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ इसको मंगवाने के लिए, तो अब यहाँ पे कई ऐसे पैसे ऐसे इधर उधर से करके मैंने यहाँ पे इस मोबाइल को आखिरकार मंगवा लिया है, और ये मोबाइल है आपके सामने। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं ऑन। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन हो रहा है और हमारे यहाँ पे Poco का नाम आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे इसकी बात की जाए तो यहाँ पे पावर बटन पर ही यहाँ पे फिंगर मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहीं पर ऊपर ही वॉल्यूम बटन मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे स्पीकर मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों ये जो स्पीकर हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पर ये माइक मिल रहा है, और यहाँ पर सी टाइप यहाँ पे चार्जिंग जैक मिल रहा है, और यहाँ पे खास बात जो है यहाँ पे ये दोस्तों 3.5 mm का ईयरफोन जैक मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल के मोबाइलों में 3.5 जैक को हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे Poco X3 Pro के अंदर 3.5 mm जैक मिल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सिम यहाँ पे टूल मिल रहा है यहाँ पे लेफ्ट के अंदर,
और दोस्तों ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे वॉइस कैंसिलेंस दिया गया है और यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। हमारा मोबाइल हो चुका है ऑन और एकदम नया है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरू से स्टार्ट हुआ है और MIUI यहाँ पे 12 मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मोबाइल के अंदर क्या है। दोस्तों मोबाइल हो चुका है ओवन और अगर दोस्तों सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.67 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले मिल रही है, जो कि यहाँ पे दोस्तों थोड़ी बड़ी है पर काफी ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे पबजी वगैरह खेलने के लिए। तो डिस्प्ले काफी अच्छी मिल रही है, वो भी 84.6 रेशियो यहाँ पे स्क्रीन बॉडी का जो रेशियो यहाँ पे 84.6 है। तो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आने वाला है यहाँ पे गेमिंग की बात की जाए या मूवीज देखते हैं तो कुछ भी यहाँ पे बात की जाए तो डिस्प्ले में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है। और दोस्तों अगर वेट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भारी दिख रहा है, 215 ग्राम का है तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पे भारी मिल रहा है हमें पोको एक्स 3 प्रो। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट गोरिल्ला ग्लास की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास के यहाँ पे 6 मिल रहा है हमको। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे बैक पैनल भी प्लास्टिक का है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है ग्लास है पर यहाँ पे प्लास्टिक का यहाँ पे बैक पैनल मिल रहा है। और यहाँ पे जो कैमरे की डिजाइनिंग है वो भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे गोल नहीं है, कुछ इस तरह से है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे गोल की यहाँ पे डिजाइनिंग दी गई है। तो दोस्तों कैमरा भी यहाँ पे काफी अच्छा मिल रहा है। और दोस्तों अगर स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080x2040 यहाँ पे मिल रहे पिक्सल्स की स्क्रीन मिल रही है आपको, तो दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे स्क्रीन है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी स्टोरेज क्या है, तो दोस्तों इसकी 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 4 कैमराज मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है 5 है पर यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट का भी दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 5 कैमरे हैं पर यहाँ पे 4 कैमरे मिल रहे हैं। यहाँ पे जो मेन कैमरा है वाइड कैमरा वो मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको मिलता है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे 2 यहाँ पे डेप्थ के कैमरे मिलते हैं, तो दोस्तों उनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अगर कैमरे के बारे में अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा कैमरा टेस्ट करके बता दूंगा और इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। अगर आपको पबजी टेस्ट चाहिए इसका, इसके बारे में जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपको दूसरा वीडियो बनाकर इसका दे दूंगा अलग से पूरी डिटेल के अंदर। और दोस्तों अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। दोस्तों मैं एक दो यहाँ पे आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप फोटोज, यहाँ पे काफी अच्छा कैमरा मिल रहा है आप पोर्ट्रेट के अंदर देख लीजिए। और यहाँ पे मतलब ये जो फोटोज आ रहे हैं ना यहाँ पे सेल्फी, मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम इसी से वीडियो बनाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा आएगा, तो आप देखते रहिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों स्पीकर्स की बात की जाए तो स्टेरियो यहाँ पे स्पीकर मिल रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे इस आवाज की बात की जाए तो काफी ज्यादा लाउड है, मतलब इतनी लाउड भी नहीं है पर अच्छी है आवाज। यहाँ पे 3.5mm का जैक भी यहाँ पे काफी अच्छी तरह से दिया गया है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करना चाहे तो मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों 5160mAh की यहाँ पे बैटरी मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पे 33W का यहाँ पे फास्ट चार्जर भी मिल रहा है, तो दोस्तों दोनों में मजा आएगा, यानी कि फास्ट चार्ज भी होगा और यहाँ पे बैटरी भी काफी समय तक चलेगी। तो दोस्तों 5160mAh यहाँ पे काफी ज्यादा है बैटरी हमारे लिए, तो काफी ज्यादा है दोस्तों। और जो 33W का जो फास्ट चार्जर है वो भी दोस्तों काफी यहाँ पे तेजी से चार्ज कर देगा, 59 मिनट्स के अंदर पूरा 100% कर देगा, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। बस अब आप देखते रहिए हम इस मोबाइल के पबजी टेस्ट वगैरह बनाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, क्योंकि हमने मेन इसके प्रोसेसर के कारण ही इसको मंगवाया है। तो दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है Qualcomm Snapdragon 860। जी हाँ दोस्तों 860 आपको पता होगा काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, वो भी 7nm के साथ। तो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे पबजी वगैरह के अंदर। दोस्तों मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि मैं तो अभी मतलब अनबॉक्स किया है, मन कर रहा है कब इसके अंदर गेम खेलूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तो अभी हम इसके अंदर गेम खेलेंगे, बाद में अभी नहीं आपको नहीं दिखाएंगे पर हम खेलेंगे, ट्राई करेंगे, फिर आपको यहाँ पे खेल कर दिखाएंगे कि इसके अंदर गेम क्या है। और दोस्तों अगर GPU की बात करें तो Adreno 640 मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों Adreno 640 जो कि काफी ज्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों OS की बात की जाए तो Android MIUI यहाँ पे 12 मिलता है, जो Poco का मतलब दोस्तों इनका खुद का होता है, तो काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। मोबाइल की बात की जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसका रिव्यू करने वाले हैं, PUBG टेस्ट भी करने वाले हैं दोस्तों, कैमरा टेस्ट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप जो भी इसके बारे में वीडियो आएगा वो मिस ना कर पाओ। और अलग से आपको इस बारे में इसके रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं बनाकर दे दूंगा आपको। और दोस्तों अगर यहाँ पे डिजाइनिंग की बात की जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मिल रहा है पर काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे पीछे का जो लुक है वो तो काफी ज्यादा अच्छा है, दूर से लगता है कि यहाँ पे गोल है पर यहाँ पे गोल नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है ये मोबाइल। तो बात की जाए तो दोस्तों मोबाइल की तो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो और हम रिव्यू करके बता देंगे कि इसके अंदर क्या खूबी है क्या कमी है।
तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैसा लगा पोको एक्स थ्री प्रो, तो दोस्तों कॉमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पे रिव्यू देने के लिए आपके लिए मोबाइल मंगवाया है दोस्तों। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा पोको एक्स थ्री प्रो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों, अच्छा लगा इसीलिए मैंने मंगवाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ताकि रिव्यू दे सकूं, इसके बारे में बता सकूं, मतलब कैमरा टेस्ट वगैरह जो भी इसके अंदर मतलब ग्राफिक्स वगैरह मिलते पबजी के अंदर, मतलब पूरी डिटेल के अंदर मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल ऑर्डर करके मंगवाया ताकि आपको अच्छी तरह से रिव्यू दे सकूं। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आप बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं जितने भी नए मोबाइल्स आ रहे हैं मैं सब आपके सामने लाकर रख दूंगा और उनका डिटेल के अंदर रिव्यू करके दूंगा। तो दोस्तों आप बस सपोर्ट करते रहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।